इसके डब्बे और यूजर मैनुअल में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि गेमिंग मोड ऑन कैसे कर सकते हैं। हाय दोस्तों, फास्ट ट्रैक FZ100 ये एक बजट ईयरफोन्स है, बजट TWS है। म्यूजिक, गेमिंग, लेटेंसी सब चीज मैंने इसकी टेस्ट आउट कर ली है। और यार, अगर आप गेमिंग करते हो और साथ मिलकर BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना चाहते हो और टेस्टिंग में मेरी हेल्प करना चाहते हो तो वही Instagram ID पर मैसेज करना, साथ मिलकर सारे ही लेटेस्ट TWS और स्मार्टफोन्स की टेस्टिंग करेंगे। पर खैर, आज की वीडियो में हम लोग इसकी साउंड क्वालिटी की बात करेंगे, गेमिंग लेटेंसी भी चेक करेंगे, पर उससे पहले एक बारी अनबॉक्स करके मैं आपको दिखा देता हूं कि डब्बे के अंदर क्या क्या माल मसाला मिलता है हमें। तो भाई, डब्बा खोलते ही सबसे आगे हमारे TWS हैं। इनको निकाल के अभी थोड़ा सा साइड रखते हैं, बाकी चीजें चेकआउट कर लेते हैं। बाकी डब्बे के अंदर एक और छोटा सा डब्बा है, इसको खोलते हैं। तो भाई, सबसे पहले इस थैली के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हमें देखने को मिलते हैं। टोटल 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं इसमें, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जो फिट आए आपको अपनी पसंद के अनुसार आप लोग चूज कर सकते हो। बाकी दूसरी चीज जो बॉक्स के अंदर है वो है ये USB Type-B to Type-C केबल, ये चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हो आप। और भाई, एक आखिरी चीज जो बॉक्स के अंदर है, आपको पता ही है इंस्ट्रक्शंस मैनुअल, काफी लंबी चौड़ी सी बुक है ये, आराम से पूरी पढ़ सकते हो, जान सकते हो कि कैसे आपको ईयरफोन्स यूज करने हैं, कैसे पावर ऑफ कर सकते हो, कैसे पावर ऑन कर सकते हो और अपने ब्लूटूथ डिवाइस को आपको कनेक्ट कैसे करना है। पर अब हम लोग चलते हैं अपने डिवाइस पर, जो है फास्ट ट्रैक FPods FZ100। भाई, काफी कॉम्पैक्ट और ट्रैवल फ्रेंडली रखा है इसे, छोटू सा साइज है, आराम से पॉकेट में फिट आ जाता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी वैसे यहाँ पे प्लास्टिक है पर हल्की सी मैट फिनिश भी है इस पे। और यार, सच बताओ ना तो ये मेरे को गैलेक्सी बड्स 2 प्रो की याद दिलाता है। थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है इन दोनों में ही, एटलीस्ट कॉम्पैक्ट होने के मामले में। बाकी भाई, FPods FZ100 में यहाँ पे पीछे की साइड पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट दे रखा है टाइप सी वाला, और जैसे ही आप इसको पॉप करते हो इसके केस को, तो यहाँ पे आपको अपने TWS दिखते हैं जिनको निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है। अब यार, जो यूजुअली बजट TWS होते हैं, किसी किसी के डिजाइन थोड़े से वियर्ड से रहते हैं, तो उनको निकालना और वापस चार्जिंग के लिए डालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। बाकी भाई, नीचे की साइड पे आपको LED इंडिकेटर्स भी दे रखे हैं चार्जिंग स्टेटस जानने के लिए। और यार, जो ईयरफोन्स है ना यहाँ पर, उनकी जो फिट और फिनिश है वो मेरे को ऑनेस्टली प्राइस के हिसाब से काफी प्रीमियम लगी। मतलब आप कितनी भी रिग्रेस एक्टिविटीज कर रहे हो, बहुत जोर जोर से सर को हिला रहे हो जिम करते वक्त, इनका फिट एकदम स्नग रहता है और कान से पॉप ऑफ नहीं होते ऑटोमेटिकली। बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट करता है, 10 mm के ड्राइवर है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 Hz to 20,000 Hz है, IPX5 वाटर रेजिस्टेंस भी है इसमें। तो वही, अगर आपको पसीने वसीने आते हैं ज्यादा एक्सरसाइज करते हुए या इन जनरल भी, ईयरफोन्स के आपको कुछ नहीं होने वाला। एंड लास्टली, जो टोटल प्लेबैक टाइम है चार्जिंग केस के साथ, वो कंपनी क्लेम करती है कि 50 घंटे का है। बाकी भाई, स्मार्टफोन से कनेक्ट करना इसको ऑफ कोर्स काफी ज्यादा इजी है, बस ब्लूटूथ सेटिंग्स को ऑन करो, ईयरफोन्स को पॉप ऑफ करो केस में से, FZ Pods करके आपको क्लियरली दिख जाएगा, उस पर टैप करो एंड देन पेयरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, इजीली पेयर हो जाएंगे आपके FPods। खैर, अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस की। तो भाई, वैसे तो इसका 10 mm का ड्राइवर है, पर मैंने इस पे काफी सारे हिप हॉप सॉन्ग सुने और जो बेस रिस्पॉन्स था काफी ज्यादा पंची था, वेल राउंडेड फील हो रहा था। इवन मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि जो इसका 20 Hz to 20,000 Hz वाला फ्रीक्वेंसी बैंड है, उसमें फ्रीक्वेंसीज काफी क्लीन सुनाई दे रही थी, जबकि इस प्राइस पॉइंट पे यार थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज साउंड क्वालिटी में देखने को मिलता है। पर जब मैंने रॉक और मेटल पे स्विच किया तो थोड़े से मेरे को इसमें हाइस बूस्टेड लगे। अब अगर आपके फोन में इक्वलाइजर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप अपने स्वाद अनुसार सेट कर सकते हो क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसमें क्लीन आती है। पर भाई, अगर आपके फोन में इक्वलाइजर नहीं है तो फिर आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बेस इसमें क्लीन आता है, पर जो रॉक सॉन्ग्स या मेटल सॉन्ग्स होते हैं जिसमें गिटार का यूजेज थोड़ा सा हैवी होता है, वहां पे आपको हाइस थोड़े से बूस्टेड सुनाई देंगे। और भाई, अब गेमिंग की बात करें तो यार, मैंने पूरे 2 घंटे के लिए इस पे BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी खेला, और यार कैजुअल गेमिंग के लिए काफी सही है, एवरेज लेटेंसी रिस्पॉन्स है इसका, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोलूंगा। पर भाई, कॉम्पिटेटिव गेमिंग अगर आप करना चाहते हो ना, फिर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव गेमिंग में हमें लेटेंसी कम से कम चाहिए रहती है, क्योंकि एनिमीज के फुटस्टेप्स आपको अच्छे से सुनने चाहिए ताकि आप काफी तेजी से रिस्पॉन्ड कर पाओ। अब साउंड क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट हाँ, लेटेंसी है इनमें थोड़ी, एटलीस्ट कॉम्पिटेटिव गेमिंग के लिए, बाकी कैजुअल गेमिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और हाँ यार, एक और चीज थी, फास्ट ट्रैक इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसके डब्बे और यूजर मैनुअल में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि गेमिंग
गेमिंग मोड ऑन कैसे कर सकते हैं। तो यार अगर आपने एफ पॉड्स खरीद लिए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा गेमिंग मोड ऑन कैसे करते हैं, तो बड़ा ही सिंपल है, चार बार बस आप टैप कर दो। और यार ध्यान रखना कि आप टॉप वाले एरिया पर ही टैप करो, ये जो सर्कल सा बना हुआ है ऊपर की साइड, तो ये आपको एक कमांड देता है गेम मोड, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका गेम मोड ऑन हो गया और लेटेंसी अब आपको कम आने वाली है। एनीवे, ये तो थे मेरे थॉट्स अबाउट द एफ पॉड्स FZ100। आप लोगों को कैसे लगे FZ100 मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में।